कैन थाने की पुलिस ने प्रतिबंधित अवैध कछुओं की तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान वलिस्टर सिंह पुत्र प्रभुनाथ चौधरी निवासी जगमांझा थाना एकौना जनपद देवरिया, दूसरा सुग्रीव निषाद पुत्र मंटू निषाद निवासी महरवा की बारी थाना कैंट जनपद गोरखपुर, तीसरा बबलू निषाद पुत्र रामजी निषाद निवासी महरवा की बारी थाना कैंट गोरखपुर, चौथा दुर्गेश साहनी पुत्र मदनलाल साहनी निवासी झुंगिया थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर के रूप में हुई है, जिनके पास से 10 अदद बोरी में कुल करीब 34 नफर इंडियन फ्लैप सेल कछुआ, 19 नफर मृत इंडियन फ्लैप सेल कछुआ घटना में प्रयुक्त वाहन को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तगढ़ उपरोक्त द्वारा बताया गया कि साहब हम लोग मिलकर रामगढ़ ताल में से बड़े कछुओं को पकड़कर उन्हें बोरों में भरकर कैंपियरगंज के रास्ते तस्करी करते हैं, क्योंकि ये प्रतिबंधित कछुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए में बिकते हैं। 19 अप्रैल को हम लोग 34 कछुओं को पकड़कर अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी में कर ले जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, अवधेश चंद्र मिश्रा, विजय कुमार शुक्ला, कांस्टेबल अंकित कुमार, उदय कुमार सरोज शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना कैंट द्वारा एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कि थ्रेटन स्पीसीज इंडियन फ्लैपसेल टर्टल की स्मगलिंग करते थे और इसको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर पहुंचाने का काम करते थे। इस तरह की स्मगलिंग करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये टोटल 34 कछुओं को एक स्कॉर्पियो में लाद के जा रहे थे। थाना कैंट की इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी प्रभारी द्वारा मौके पर चुनाव के मद्देनज़र चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के समय इनकी गतिविधि को संदिग्ध लगी। इन्होंने स्कॉर्पियो को साइड में करके जब पूछा कि क्या चीज़ भरी है, तब उसको प्रॉपर तरीके से चेकिंग की गई तो उसके अंदर कछुए निकले। बाकी बाद में फर्दर जांच करने पर पाया गया कि उनमें से 19 कछुए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, जिनका पोस्टमार्टम एक पैनल डॉक्टर्स के पैनल द्वारा चीफ वेटरनरी ऑफिसर हमारे गोरखपुर के एवं यहाँ पे जो चिड़ियाघर है उनके डॉक्टर साहब द्वारा किया जा रहा है। बाकी जो जीवित कछुए थे उन सब कछुओं को रामगढ़ ताल जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर उनको रिलीज़ कर दिया गया है। इन 4 अभियुक्तों के खिलाफ इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट एवं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसकी विभिन्न शाखाओं विभिन्न सेक्शंस के अंदर इनको दर्ज किया गया है। उसके साथ साथ स्कॉर्पियो को भी बरामद कर लिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि इनकी 34 कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, वैल्यू 10 लाख रुपए के आसपास है। ये यहाँ से रामगढ़ ताल से एक एक्सपर्ट जो दुर्गेश सानी है, जो कछुए पकड़ने का एक्सपर्ट है, वो इनको समय समय पर कछुए पकड़ता है, फिर उनको यहाँ से स्मगल करके कैंपियरगंज की तरफ ले जाते हैं और वहाँ से फिर ये पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए साउथ ईस्ट एशिया में सप्लाई करते हैं। वहाँ पे इनका ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन एवं अन्य प्रकार की मेडिसिन में इनका प्रयोग में लिया जाता है। इसकी वजह से भारत की कई नदियों में भी टर्टल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं और ये भी IUCN के अनुसार वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, ये भी थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं। इस तरह इनकी स्मगलिंग का भंडाफोड़ करने वाली थाना कैंट पुलिस को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरीके की ये गैंग को पर्दाफाश किया है। हम इसका ओरिजिन है उसको तो हम बस्ट कर पाए, लेकिन आगे कहां कहां ये बेचते थे, कैसे जाता था, इन सब का आगे विवेचना में खुलासा समय पर किया जाएगा। गुडवर्क करने वाली टीम को SSP महोदय द्वारा 10,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि समय समय पर थाना कैंट द्वारा एवं जनपद गोरखपुर में अच्छी खासी चेकिंग की जा रही है और इन्हीं चेकिंग का ही परिणाम है कि किसी भी प्रकार की स्मगलिंग या किसी प्रकार के कोई असले या किसी प्रकार का प्रतिबंधित चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करना अपराधियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है और इसी ही वजह से इन 4 अपराधियों सुग्रीव सिंह, बलिस्टर सिंह, बबलू निषाद और दुर्गेश सानी 4 को गिरफ्तार किया गया है।
एवं आगे की भी विवेचना में एक अंतर्राष्ट्रीय जो गैंग है इसका भंडाफोड़ किया जाएगा। थैंक यू।